Laughter Champion and I'm your host Rochelle Rao. सेमीफाइनल की जंग ताबड़तोड़ है, लाफ्टर की थोपे तो बहुत से लोगों को मिली है, लेकिन क्या उनके स्कोर्स उन्हें फाइनल तक ले जाएंगे, यही तो हमें देखना है। सो विदाउट डिलेइंग द लाफ्टर ट्रेन, लेट अस गेट स्टार्टेड। टुडे इन द हाउस वी हैव जय विजय सचान फ्रॉम मुंबई, भारत गणेशपुरे एंड सागर करंडे फ्रॉम मुंबई, हितेश शेट्टी फ्रॉम मुंबई, रवि गुप्ता फ्रॉम दिल्ली एंड जे छनियारा फ्रॉम राजकोट गुजरात। इट्स टाइम टू मीट आवर सरपंच, द एक्टर परफॉर्मर एंड एंटरटेनर राजीव निगम। नमस्ते शेखर जी, अर्चना जी नमस्कार। ऑब्जर्वेशन की कॉमेडी इस बार काफी लोगों ने किया, कुछ कुछ ऑब्जर्व किया, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, हमारे हिंदुस्तान में अगर आप देखें सरनेम जो है वो इतने तरीके के सरनेम है, आप जहां चले जाओ 10, 20, 50, 150, 250 सरनेम मिलते हैं, पूरी दुनिया में इतने सरनेम कहीं नहीं होंगे। अच्छा, सरनेम को अगर कई बार ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि आपस में सगे भाई हैं, जैसे शर्मा वर्मा, शर्मा वर्मा दो भाई हैं, बेदी द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी, ये चार भाई हैं, दुबे चौबे छब्बे। हाँ क्यों बे, क्यों बे। अच्छा, कुछ सरनेम को अगर ध्यान से देखिए ऐसा लगता है आपस में पति पत्नी है, कुंबले कांबली, कुंबले और कांबली, सेठ सेठी, सेठी माला माली, माला माली। अच्छा, किसी पार्टी में जाइए आप, यहाँ पर आपको अजीब अजीब से सरनेम मिलेंगे। और एक मैडम भी मिलती है जो सबको इंट्रोड्यूस कराती रहती है, मीट मिस्टर तलवार, मिस्टर कटारिया। तलवार कटारिया ऐसा लगता है कोई लफड़ा होने जा रहा है। मीट मिस्टर खरे, मिस्टर खोटे। अरे खोटे सुनाएंगे, ऐसा नहीं लगता कि किसी की पोल खोल रहे खरे। मीट मिस्टर गांजा वाला, मिस्टर दारू वाला। मिस्टर सेठ, मिस्टर महाजन, ऐसा लगता है यही दो लोग पैसे वाले हैं। अच्छा, लड़कियों के देखिए, अक्सर कहीं पर भी बाहर जाएंगी ऑटो में, ऑटो वाले भैया, भाजी वाले भैया, दूध वाले भैया, ये वाले भैया, वो वाले भैया, और खुद के भाई को कमी नहीं धरा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, कुछ सामने से उनसे कोई पूछता नहीं फिर भी आके बोलते थे कि भाई हम लोग तो ये बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं रखते यार, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बेटा बेटी, कोई भेद नहीं रखते, मैं तो अपने बेटी को ही मैं बेटा समझता हूँ। हमने कहा यही भेद, यही खुद में भेद है, बेटी को बेटी समझ, बेटा क्यों समझ रहा है। अच्छा, फिर जो बेटी होती है ना तो उससे बात भी वैसे ही करते हैं, बिल्कुल, कहाँ जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है तू, क्या कर रहा है तू, सुनीता खाना खाएगा तू, सुनीता पापा के साथ चलेगा तू, कपड़े भी वैसे पहनाएंगे, गेम्स स्पोर्ट्स भी वैसे ही खिलाते हैं, लेकिन यही सुनीता जब 16-17 साल का हो जाता है, शॉर्ट ड्रेसेस में रात में 11 बजे घर से निकल के जा रहा होता है, तब बाप बोलता है बेटा सुनीता कहाँ जा रहा है तू। सुनीता बोलता पापा मैं पार्टी में जा रहा हूँ, थोड़ा लेट नाइट आऊंगा। तब देखिए, अरे बिटिया सुनीता तुम सयानी हो गई हो अब, समझा बेटी। और भाई तो रात में पार्टी से बिटिया एक बियर पी के आ गई, वो तो एक बियर पी के आई, ये टेंशन में पूरी बोतल का ढक गया, पता नहीं परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी। खैर, आज हमारे ये धुरंधर जो है सेमीफाइनल खेलने जा रहा है, पूरा एकदम मजे करो, एंजॉय करो। थैंक यू। अगर कॉमेडी का कोई डांस फॉर्म होता तो आप उसे क्या कहते? तगड़ दुम्बा। अपने ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर से कॉमेडी का खंबा गाड़ने आ रहे हैं मुंबई सा मुलगा नितेश शेट्टी। क्या बात
वैसा देखते देखते शो सेमीफाइनल तक भी पहुंच गया। क्या बात, दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग शो। और लेकिन शेखर जी आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि मेरे को अंदर से खबर मिला है आप तो फाइनल तक है। वैसे अर्चना जी आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि मैं सुने फाइनल के बाद जो टीवी पे आने वाला आप उसमें भी है। आजकल मैंने देखा है सैटरडे संडे घर पे लोग खाना पकाता ही नहीं है, क्यों? सीधा वो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं टोमेटो से। इसलिए देखो आजकल रस्ते पे वो 5-5 फीट का लड़का लोग 7-7 फीट का बैग लेके घूम रहे। येलो का जमावड़ा दिखेगा डायरेक्ट होटल के काउंटर के बाहर, ऐसा फुल झुंड लेके बैठते रहे लोग, लाल टी शर्ट पहन के, और सबका सब लोग मोबाइल देख रहे। और ये लोग मोबाइल में देखता क्या है? पिकपॉक वीडियोस। वो भी वाला, ओ नो 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 हेरो रुको। और ये लोग हीरो लोगों देखो, जब लोग डिलीवरी के लिए भी जाते हैं ना, तो सबसे पहले ऐसा बाइक पे बैठेगा और सबसे पहला हेलमेट पहनेगा, सर का नहीं हाथ का। उसके बाद पेट्रोल भरेगा, बाइक का नहीं अपने बॉडी का। यार क्या ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद वो ऐसा बाइक चलाएगा जैसे कि वो वीडियो गेम खेल रहे हैं, विथ वन लाइफ। इसको लगता है अगर मैं ऐसा स्लो चलाया ना तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। ये लोगों सिग्नल में देखो, सिग्नल में उधर जाके खड़ा रहेगा, उधर इसको लगता है ग्रीन मतलब बाकी लोग जाने का, रेड रहेगा तो मतलब मैं जाने का। और ये लोग देखो जब डिलीवरी भी देने जाते हैं ना, जो एरिया में लोग पहुंचते हैं वहां भी देखो ऐसा बैग लेके ये लोग उधर चालू हो जाएगा, लोकेशन पे पहुंच गया। वॉचमैन ये गीत गोविंद बिल्डिंग किधर है? पार्सल ले गया है, साबूदाना पिज्जा है। अभी देखो ये इधर डिलीवरी दे रहे लेकिन कान में इसका एक हेडफोन लगा रहता है, जहां साइड बाय साइड अपने गर्लफ्रेंड से भी बात कर रहा है। हाँ रेशमा क्या बोल रही तेरे तू, यू लव टू मी नो। फिर वो काई के लोग फैजान से 2-2 बजे तक बात करती है। कौन बोला तेरा फैजान का वो दुबई में बिजनेस है? अरे नहीं नहीं उधर वो शेख लोग का ऊंट नहीं लाता है। हाँ देख तू मेरे से शादी कर, तेरे को 1 साल में 2 बच्चा देगा मैं। क्या क्या कैसे देगा? अरे मेरा डिलीवरी का काम है। लेकिन कुछ लोगों को क्या पार्सल मंगाना पसंद नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं फाइन डाइन होटल में जाते हैं, ऐसा फैमिली और रूफ टॉप होटल जिधर ऊपर से ऐसा पूरा समुंदर दिखता है। ऐसा होटल का नाम भी देखो क्या रहेगा, द मैंडेरियन याचा याचा। ऐसा ये चाइनीज का होटल है लेकिन अंदर जो किचन में हक्का नूडल्स बना रहे ना वो खुद अमरावती से। मैंने देखा ऐसा सब महंगा होटल में जाओ, ये लोग ने नींबू शरबत का भी नाम क्या रखा है मालूम है क्या? वर्जिन मोहितो। ऐसा महंगा होटल का रिसेप्शन में जाओ, उधर देखो ऐसा कड़का सा एक लड़का खड़ा रहेगा, फुल बाल में जेल वेल लगा के, ऐसा उसके हाथ में टैब रहेगा। जैसे कोई कस्टमर ऐसे चाहता है, सर मे हैव योर बर्थ ऑफ डेट प्लीज, कई के लिए चाहिए आप लोगों को? एक्चुअली सर वी आर गिविंग अ प्लैटिनम मेंबरशिप कार्ड, so like whenever you come here for dinner no you get 100 points and when you reach 10,000 points your full family any Wednesday between 7:30 to 9:30 will get free papad. aisa sab mehenge hotel mein jao aap aisa entry lo na andar ek pura andhera rahega aur wohi andhere mein kaise tum baad mein menu la ke dega ye log aap menu padho देख के मालूम पड़ता है बाप रे ये लोग के पास तो 4 टाइप का खाली पानी है। फिर उसका पीछे वाला पेज देखो, पीछे वाला पेज में लिखा है मेन कोर्स, उसके ऊपर लिखा है बटर चिकन, उसके नीचे 4 लाइन का डिस्क्रिप्शन, इट्स अ फ्रेशली टेंडर चिकन फ्रॉम द फार्म्स ऑफ कंट्री साइड, टॉस इन द इटालियन मैरिनारा सॉस, सर्व्ड इन द इंटरलाकिंग स्विस बटर।
वो पढ़ के ऐसा लगता है कि अगर ये चिकन जिंदा रहता तो अपना तारीफ सुन के रो देता है। रो देता। और देखो ऐसा सब महंगे होटल में जब डिश भी आता है ना तो फैमिली में से कोई एक आदमी रहेगा वैसा। ए, एक मिनट एक कौन हाथ नहीं लगेगा एक मिनट एक मिनट पापा नीचे रख एक मिनट। अभी डालते सस्ता ग्राम में हैशटैग मंडेरियन याचा याचा हैविंग चाइनीज फूड विद मम्मी डैडी एंड चाचा काओ। और ये लोग खाना लेके भी कैसे आते हैं, एक बहुत बड़ा प्लेट में इतना सा चावल रख के लेके आएगा ऐसा। इससे ज्यादा चावल तो हम लोग किचन के खिड़की में रखते हैं कौवे के लिए। और देखो वीकेंड में सस्ता होटल के बाहर इतना भीड़ रहते है, पब्लिक सब ऐसा खड़ा रहते वेटिंग वेटिंग में, उधर कुछ लोग ऐसा सेटिंग लगा करता है। अन्ना हम लोग देखो ना चार लोग है। लेकिन कुछ फैमिली वाला देखो ऐसा खड़ा रहेगा, वो लोग बैठ के उधर देखते रहते बाहर से कि कौन खाली हो गया। वो लोग में से एक आदमी ऐसा घूमता रहेगा। Oh my God. हो गया। चार लोग को फिंगर बॉल दिए हो गया। अभी उठेगा वो लोग तो बाजू वाला बोलते हैं, ए हो गया नहीं एडे चालू हो रहे वो फिंगर बॉल नहीं है 2x4 मंचा सूप है। और देखो ऐसा सस्ते होटल में कुछ लोग फुकट में भी खाने के लिए आते हैं, फूड ब्लॉगर लोग। वो लोग भी किधर भी घुस के चालू, हाय दोस्तों आज इधर आया अपन मनोरंजन प्योर वेज होटल में, आज अपन यहाँ पीने वाले गंगा जमुना जूस। तो सर आपका गंगा जमुना चालू करो। अभी ये जूस वाला लोग भी बहुत शाना रहता, नॉर्मल दिन देखो ऐसा जूस बनाएगा लेकिन जैसे कोई फूड ब्लॉगर दिखा। अभी देखो कुछ लोग को ऐसा होटल भी जाने का पसंद नहीं रहता, ये लोग क्या करते घर पे खाना बनाते। आजकल मैंने देखा है किसके पास कुछ भी काम नहीं है ना वो ऑनलाइन कुकिंग चैनल खोलते उधर बैठ के। हाय फ्रेंड्स मधुरी माहिया। आप देखो सबसे बड़ा मजा आता है ना जब ये लोग ये बनाते हैं अपना नॉनवेज डिश। हाय फ्रेंड्स आज मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपना फिश टिक्का, लेकिन जो हमारे वेजिटेरियन दोस्त लोग हैं वो इसको पनीर के साथ भी बना सकते हैं। दूसरा दिन हाय फ्रेंड्स आज मैं बना रही हूँ मटन बिरयानी, जो हमारे वेजिटेरियन दोस्त लोग हैं वो इसमें पनीर के साथ भी बना सकते हैं। हाय फ्रेंड्स आज मैं बना रही हूँ चिकन मंचाओ सूप, और जो हमारे वेजिटेरियन दोस्त लोग हैं एक बार नॉनवेज चक्के देखो कितना मस्त लगता है, कब तक पनीर खाएगा। कुछ लोग ये सब रेसिपी के लिए देखते हैं कुकरी शो, लेकिन मैं देखता हूँ बर्तन के लिए। क्या सॉलिड सॉलिड बर्तन है, वो लोग का मिक्सर देखो आप ऐसा डालेगा चटनी हो गया पतला। लेकिन यही अपना घर का मिक्सर में देखो आप कुछ डालो, अरे ज्यादा हो गया ज्यादा हो गया ज्यादा हो गया ज्यादा हो गया छोटा है। बोलो का कुकर भी देखो एक सीटी में चावल पकड़ डाल देता। लेकिन यही अपना घर का कुकर देखो, इसमें चावल रखो उसका आधा घंटा कुछ अलग ही चल रहे। फिर उसको अंदर से खोलो तो इतना बड़ा चावल का केक निकल दे, फिर उसमें समझ नहीं आता इसमें दाल डालने के क्या कैंडल लगाने के। और लास्ट में वो लोग जो फुकट लोग रहते हैं वो लोग किधर भी नहीं बनाते, वो लोग सोचते मेरे को कोई पार्टी में बुलाए तो वहां जाके मेरे को फुकट में थोड़ा मिलेगा खाने के लिए। पार्टी में जाके लोगों को मालूम पड़ता है अरे बापरे इधर खाना तो 9:30 से, मतलब 7:30 से 9:30 तो वो करना पड़ेगा। क्या तुम्बा तुम्बा झगड़ तुम्बा नितेश व्हाट अ फैबुलस परफॉर्मेंस, तुम्हारे ऑब्जर्वेशंस इतने माइन्यूट है इतने बारीक हैं इतने महीन हैं और इतने जहीन हैं। आई थिंक ऐसे लोग जब सेमीफाइनल्स का हिस्सा बनते हैं तो आई कैन इमेजिन कि फाइनल कहाँ जाने वाला है। वो बहुत बढ़िया तुमने किया है एंड वी आर ऑल्सो प्राउड टू हैव यू ऑन द सेमीफाइनल्स एंड यू गोना बी पार्ट ऑफ द फाइनल्स, टेक इट फ्रॉम मी। थैंक यू थैंक यू।
एक होती है ऑब्जर्वेशन जो सब करते हैं, एक होती है नितेश शेट्टी की ऑब्जर्वेशन, सो माइन्यूट, सो परफेक्ट। आपने जगह बनाई है इस मंच पर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के दिलों में। बिग सैल्यूट टू यू। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। आप कॉमेडी कॉमेडी की होप हो और लाफ्टर की टॉप हो। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही आदमी में वो जब चाहे तब बहुत सारे आत्माएं आ सकती हैं? दिस इज नॉट अ हॉरर स्टोरी बट अ ह्यूमर स्टोरी। आदमी एक, आवाजें अनेक, द वर्सटाइल आर्टिस्ट जय विजय सचान। अर्चना जी, जी अमरीश, इस सुरेंद्र की आदत बहुत खराब है। हाँ। हमेशा गलत वक्त पे तबला बजाता है। अरे ये तो ऐसा आदमी है। हाँ। ये अपनी शादी के दिन भी तबला बजा रहा था, वो भी गलत जगह पे। अर्चना जी सोचिए कि ये बॉलीवुड स्टार्स जब अपने अपने प्रोडक्ट को लेकर शार्क टैंक के लिए जाएंगे तो क्या होगा? हाँ। बहुत ढेर सारे बॉलीवुड स्टार्स वहां पर पहुंचते, वहां पर वेटिंग रूम पर सब वहां पर बैठे हैं और अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में आपस में एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं। फरहान राजपाल से बात कर रहे हैं। ओह, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास भी कोई प्रोडक्ट है। अरे हाँ भैया, हमारे पास तो बहुत धांसू प्रोडक्ट लेकर हम आए हैं। ये है नाभी क्लीनर। नाभी क्लीनर, बट इसका यूज कहाँ होगा? अरे भैया, यूज होगा साउथ में। कहे कि आपने साउथ की पिक्चरें नहीं देखी, कैसे वहाँ का हीरो हीरोइन की नाभि में फूल पत्ता रसगुल्ला रसमलाई वहाँ सब फरते रहते हैं। अरे भैया, हमारा प्रोडक्ट वहीं पर चलेगा। तो तुम शार्क से नाभि क्लीनर के लिए फंड लेने आए हो? अरे नहीं नहीं भैया, हम फंड लेने नहीं आए हैं। फंड तो हमारे पास बहुत है, हम खाली यहाँ पे नाभियाँ लेने आए हैं। पीयूष जी बगल में बैठे थे। साले, अरे तेरे को मैं यहाँ पर गाली भी ना दूँ और यहाँ पर तो फंड लेने के लिए है। अरे शैतान, निकल जा। अरे मुझे लगता है कि आपके पास भी कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जरा हम भी तो सुने कि आप क्या लेकर आए। अरे वाह, तो मैंने अपने सभी लोगों के लिए मैंने बनाया है एक कमाल का तेल। अरे भाई, मार्केट में तो आजकल वैसे भी 500 तेल है, आपके तेल में ऐसी कौन सी खास बात है? अरे अरे देखिए, इंसान जो है सिर्फ दो चीजों से परेशान है, एक बाल बच्चों से परेशान है और दूसरा बचे हुए बालों से परेशान है। इसलिए उन्हीं बचे हुए बालों के लिए मैं लेकर आया हूँ चिचोरामाइसिन तेल। चिचोरामाइसिन तेल, चिचोरामाइसिन तेल। आपके तेल में ऐसी कौन सी खास बात है? अरे अरे, मार्केट के सभी तेलों को मिलाकर मैंने कमाल का तेल बनाया है और इसमें तेल में है रस्तीमुठी, मुलेठी, कमला केसर, रोज वाटर, अखरबाल कच्चा बादाम, सासबी का भी बहुत ही। इनका चल रहा है वहां पर, तभी कुलभूषण जी जो है वहां पर अपना साइकिल चलाते हुए आ रहे हैं। अरे भाई, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में रुकना मना है। इंसान की जिंदगी में बड़ा प्रेशर रहता है, वो जोर तो बहुत लगाता है लेकिन प्रेशर बढ़ता ही रहता है। भाई, अगर यहाँ पे प्रेशर बढ़ता रहता है तो आप ये साइकिल क्यों चला रहे हैं? अरे भाई, ये साइकिल नहीं है, ये है मोबाइल कमोड। मोबाइल कमोड कामाकाजी, कामाकाजी कभी भी कहीं भी
करने से पहले भी करने के बाद भी। शेखर ये सोचिए, इस वाहियात किस्म के इनके प्रोडक्ट हैं, लेकिन अगर ये एक्टर्स जब अंदर शार के पास जाएंगे ऐसे प्रोडक्ट को लेकर तो क्या होगा? अंदर जो शार्क हैं, सोचिए अगर वो इरफान साहब होते, सबसे पहले प्रोडक्ट लेके नवाज पहुंचते अंदर, क्या भैया? अबे बड़ा पहचान हो ना हमको बेटा, बड़ा इस लाइन में बाकी सब मछलियां और हमें शार्क कहो। हाँ, अरे कहो ने मारते लपड़ तो बुद्धि खुल जाए, सोच रहे हो ना? सलाम साहब, मैं नवाजुद्दीन, मैं डोंबिवली साला है, मेरे को 135 रुपए मांगता है। अबे बिजनेस करने के लिए 135 रुपए? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं वो रिक्शा से आया ना तो उसको भाड़ा देने के लिए 135 रुपए मांगता है मेरे को। अबे तुम बिजनेस करने के लिए आए लेकिन तुम्हारे पास 135 रुपए छुट्टा नहीं है। छुट्टा तो है लेकिन मांगने का डर छुट्टा नहीं अपन का। तो बड़ा एक बात सुनो, तुम ज्यादा बड़ी मन बनो, ये बताओ कि तुम्हारा बिजनेस प्रपोजल क्या है। मेरे पास बिना बहुत सॉलिड आइडियाज है, इसलिए मेरे को लगता है कि अभी मेरे को करने का है, समझे ना? अभी तुम हमको ये बताओ कि तुमको एंटरप्रेन्योर बनने की क्या जरूरत है? देखो साहब, फंड देने का है तो, लेकिन फाली में मेरे को गाली नहीं देने का, समझे? बड़ा एक बात सुनो, इधर। अबे तुमको वो दिख रहा क्या है? हाँ दरवाजा है ना, थोड़े काम करो, उस दरवाजे खोल कर निकल जाओ, समझ रहे हो ना? मार के लपड़ तो बुद्धि खुल जाए साला। ये गए वहां से नीतिक साहब। अबे मुन्ना, एक काम करो, पहले हिलो मत और खड़े होकर बात करो, समझ रहे हो ना? और ये बताओ तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है? सर, आई एम प्रेजेंटिंग इंडियाज फर्स्ट जादू की गोली। इट्स अ फ्यूचर, इट्स अ रिवॉल्यूशन, इट्स अ पानी की गोली इन द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। अबे तो पीने की चीज को खाने की बोल रहा है बे। बेटा हमको लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है। अबे अबे खाली तुम्हारा शरीर बड़ा हुआ है, समझ रहे हो ना? बेटा तुम्हारा प्रोडक्ट बेकार है। नहीं नहीं सर, मेरा प्रोडक्ट बिल्कुल बेकार नहीं। वाह, तुम एक काम करो और उधर पर जाके डो 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 ये जाके बजाओ, निकलो निकलो बेटा, दिखाई मत देना। अबे कोई बढ़िया प्रोडक्ट लेकर आओ बे। कैसे हैं शार्क? बहुत तारीफ सुनी थी हमने और आपके सामने जो है बहुत बढ़िया प्रोडक्ट लेकर आए हैं। ये देखिए, ये है हमारा प्रोडक्ट। अबे त्रिपाठी जी, तुम तो खाली रुमाल लेकर आए हो। अरे आपको पता नहीं है, ये रुमाल है बहुत कमाल। हमारे बिहार में इसको देख के लोग घर परिवार दुकान जेवरात सब रख के चले जाते हैं। देखो गुरु, हमारा जो है टेक्सटाइल बिजनेस में कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है, समझ रहे हो ना? तो गुरु हमारी तरफ से तो ना है। तो आप जाइए। अरे एक बार हमारा प्रोडक्ट तो देख लीजिए। और जैसे ही वो रुमाल हटाते हैं, रुमाल के नीचे होता कट्टा। अरे 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 चल चल कौरव, अरे कालीन भैया तुमको कहा होगा, अरे चे चे, अरे हनुमंता, अरे क्या कर रहे हमसे? कुछ लो भाई, हमसे कहा गलती हो गई का? अरे और गुरु तुमको इक्विटी भी दे देंगे। तुम इक्विटी देखा, हमने पहले ही कहा था ना। और जितने भी बॉलीवुड के बाबा, जितने भी सेलिब्रिटीज थे, वो सब आ जाते हैं। अरे 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 कालीन भैया देखे देखे, अरे भाई साहब, अरे हम तो यहाँ पे केबीसी की शूटिंग करने के लिए आए थे भाई साहब, अरे हमारे पास कुछ नहीं है, अरे प्लीज हमारे पास, प्लीज हमें जाने दीजिए, हटिए हटिए। बेटा तुम्हारे पास में क्या? मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पास भी कुछ नहीं। हमें भरोसा नहीं हो रहा है तुम्हारे ऊपर, जेब चेक कराओ। अबे ये तो गोली है। हाँ,
ये पानी की गोली, ये पानी की गोली, ये पानी की गोली। अबे इधर आ, तू इधर आ। राजपाल कितना पैसा? अरे साहब हम तो बहुत ज्यादा गरीब आदमी, हमारे पास एक और ठेला नहीं है। अरे साहब हमसे नहीं होगा, हम बता रहे हैं साहब, हमारा जितना भी सब कुछ कर चेक करके देख लो। मुर्गा बन जाओ, मुर्गा बन मकबूल, इसको ले जाओ, हम साले को इसको जाके बारात में नचवाएंगे। चलो चलो चलो। और बाकी ढेर सारे आप लोग, अरे देखिए 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 भाई साहब, हम मकबूल हमारी बात सुनिए, देखिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए इन लोगों को जाने दीजिए, ये भाई बहुत छोटे छोटे लोग हैं, बात समझने की कोशिश करिए। यही बात तो हम आपसे समझा रहे थे, फालतू का यहाँ पर आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं, शार्क बने घूम रहे हैं। अरे जो काम आता है वही आपको करना चाहिए, चुपचाप जाइए ऑडिशन दीजिए, बढ़िया बढ़िया पिक्चरें बन रही हैं, सबको अपना काम करना बहुत जरूरी है। अबे तुम तबला बजाओ, तुम्हारा काम है। अरे ताली बजाओ, तुम्हारा काम है। और आप लोग जज हैं, ये आपका काम है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तुमने एक कैरेक्टर नहीं, तुमने कितने सारी आवाजें, उनके मैनरिज्म, उनका पूरा आव भाव, हाउ मेनी वॉइसेस तुमको, तुमने गिना होगा कितनी आवाजें? आई बिलीव 70-75 अराउंड। 75? यस यस। पर आई हैव टू से कि जय विजय, मैंने पंकज जी को आपका एक क्लिप भेजा। अच्छा। और मैंने बोला कितना बढ़िया करता है लड़का, उन्होंने उसी अंदाज में एक वॉइस नोट भेजा, उन्होंने बोला बहुत बढ़िया करता है। देखा है इसको एक दो बार? हाँ देखा। जय विजय, तुम में खासियत ये कि जो रोशेल कह रही थी कि तुम्हारे अंदर आत्माएं आ जाती तो मुझे लग रहा है कि वो सारे कैरेक्टर जो तुम करते हो उसकी वाकई आत्मा तुम में आ जा रही। थैंक यू सो मच। आत्मा को पकड़ ले। एक ही शब्द है हिंदी में उस्ताद, अंग्रेजी में मैस्त्रो कहते हैं। जब आदमी रियाज करते करते उस स्तर पे आ जाता है तो फिर वो उस्ताद कहलाता है। थैंक यू सर। तो तुम्हारी ये बरसों की जो मेहनत है उसके लिए दोनों हाथों से तुमको सलाम। और एक बार खड़े होकर हेलो सर तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। गुजराती लोगों को फास्ट फूड ही नहीं, फास्ट ह्यूमर भी पसंद है। आ रहे हैं वो जिनका खुशियाँ फैलाना ही है नारा। प्लीज वेलकम जय छनियारा। अपने जख्मों को आईना बनाया है हमने। वाह वाह वाह। अपने जख्मों को आईना बनाया है हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं है, खुद का ही तमाशा बनाना, बड़ी हिम्मत चाहिए सबको हंसाने के लिए। बहुत अच्छे जय। ये शेखर जी मुझसे कह रहे थे जय मुझे एक मुंबई में बंगला खरीदना है, पर समझ में नहीं आता लोकेशन देख के लूं या पड़ोसन देख के। जय हमको ये बताओ कि ऐसा सुना है कि गुजराती लोग या पैसा बचाने में बहुत माहिर होते, जबरदस्त, तो हमको भी कुछ टिप्स दो ना। शेखर जी मेरे हिसाब से तो ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर वो, तुम कितनी सुंदर वो। ये गाना भी अपनी बीबी के मेकअप का खर्चा बचाने के लिए किसी गुज्जू ने लिखा हो। सही है, सही है, सही है, सही है। अच्छा ये भी बताओ कि गुजराती लोग हमेशा शेयर बाजार के बारे में क्यों सोचते रहते हैं? शेखर जी ये आप गलत बोल रहे हैं। अच्छा सॉरी। कुछ कुछ गुजराती क्या, सारे गुजराती शेयर बाजार के बारे में ही सोचते। बीबी भले ही बाथरूम से गिर जाए पर शेयर मार्केट नहीं गिरना चाहिए।
और मेरी पड़ोस में तो एक चाचा जी ने शेयर बाजार का इतना काम किया कि उनको बुखार चढ़ गया। डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब ने उनको चेक करके कहा ओ माय गॉड आपको तो 104 बुखार है। पेशेंट बोला डॉक्टर साहब 105 हो जाए तो बेच दे। सर मुझे भी शेयर मार्केट का और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का बड़ा शौक है, शेयर मार्केट। अच्छा। एक दिन मैं अपने पापा को बैठ के समझा रहा था कि पापा ना इस पे बैठ के इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर मेरे पापा ने मेरे नाम पे जो मेरे गांव में 10 बीघा जमीन मेरे नाम पे की थी ना उन्होंने वापस ले ली। ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, झुनझुन वाला बनने का सपना देखकर लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और आखिर में बेचारे झुनझुना बजाते रह जाते हैं। देखिए मेरे दोस्त ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, बोल रहा है सुबह आके कि दोपहर तक मैं लखपति हो जाऊंगा और शाम तक करोड़पति हो जाऊंगा। और पिछले महीने गया था, वो चाय की दुकान खोल के चला रहा है अपना काम। अब वो शेयर शब्द से इतना चिढ़ता है, दो दोस्त आए उसकी दुकान पे, बोले भाई समोसा शेयर कर ले, समोसा फेंक के मारा उसको। हम गुजराती लोग एडवाइस भी बड़ी पॉजिटिव देते। अच्छा। सामने वाले को फायदा हो या ना हो उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नितेश जी मेरे पास आए, बोले जय भाई मैं बहुत बीमार रहता हूँ, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा एक काम करो, तुम होम्योपैथिक का इलाज शुरू कर। होम्योपैथिक दवाई खाने का अपना ही एक अलग मजा है, तुम 4 गोली निकालोगे तो 6 निकले। फिर वापस वो अंदर डाल दोगे तो 4 अंदर घुस गए। इसी खेल खेल में तुम्हारा ध्यान बीमारी से हट जाएगा और तुम ठीक हो जाओ। जे, ये गुजरातियों को अमेरिका में आने जाने में क्या फैसिनेशन है? आप गलत बोल रही। अच्छा। हम गुजरातियों को सिर्फ अमेरिका जाने का फैसिनेशन होता है, आने का नहीं। पर अमेरिका में सब अलग होता है, साइंस टेक्नोलॉजी सब। अमेरिका में टेस्ट करवाने के बाद फॉरेनर बोलता है थैंक गॉड एवरीथिंग इज फाइन। हमारा गुजराती क्या बोलता है पता है? साला फालतू का पैसा वेस्ट हो गया और कुछ आया भी नहीं। अमेरिका में जब कोई बीमार होता है तो कहता है गेट वेल सून एंड विश यू अ स्पीडी रिकवरी। हमारे इंडिया में क्या कहता है पता है? मेरे साले को भी यही बीमारी थी, बेचारा 2 दिन पहले चल बस। तुम यार जय इतना बोलते रहते हो, इतने कमाल कमाल के जोक सुनाते हो, तो बहुत सारी लड़कियां तो तुम्हारे पर लट्टू अट्टू हो जाती होंगी। अरे क्या पूछ लिया आपने यार। मैंने नोटबंदी देख ली, घर बंदी देख ली, बस अब अपनी बंदी देखना चाहता। पर आजकल के जमाने में भगवान ढूंढना आसान है पर बिना बॉयफ्रेंड वाली गर्लफ्रेंड ढूंढना बहुत मुश्किल। मैं रोशेल के पिताजी से उसका हाथ मांगने गया। अच्छा। तो रोशेल के पिताजी ने कहा तुम रोशेल का हाथ मांगने तो आए हो पर तुम्हारा स्टेटस क्या है? मैंने कहा मेरा स्टेटस हाय देयर आई एम यूजिंग व्हाट्सएप। अच्छा जय अगर तुम इजाजत दो तो कैन आई प्ले द क्यूपिड अगर तुम्हारी तरफ से मैं रोशेल से बात करूं तुम्हारे लिए? अरे नहीं नहीं शेखर जी, आप जैसे दोस्त पहले सेटिंग करने जाते और फिर खुद सेट होके आ जाते। बहुत अच्छा। तो मतलब सारे हालात देख करके शादी वादी करने का कोई विचार नहीं करवाओ शादी? विवाह एक ऐसा खूबसूरत जंगल है राजीव जी, जिसमें बहादुर शेरों का हिरनिया शिकार करती। बहादुर शेरों का हिरनिया। और शेखर जी आपको तो पता ही है शादी के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी है 3 सिटी के बाद कुकर बनकर। और शेखर जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती, सिंगल भी दुखी, रिलेशनशिप वाले भी दुखी, दुखी शादी शुदा भी दुखी, दुखी फिर समझ में नहीं आता साला मजा कौन ले रहा है। मजा कौन ले रहा? लेकिन यार मजे मजे ये पब्लिक ले रही है पूरी। ये जो तुमने डिलीवर किया है जय सलाम, फैंटास्टिक, तुमने इतना एंटरटेन किया
तुम्हारी स्पॉन्टेनिटी, तुम्हारा जवाब, तुम्हारे लतीफे, तुम्हारा अंदाज, सब कुछ बेमिसाल। थैंक यू। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम हमारे साथ आगे चलो और फाइनल में हमसे एक बार फिर मुलाकात करो। थैंक यू जय फॉर एंटरटेनिंग अस। जय, आई वांट टू आस्क यू, जब तुमने शुरुआत किया स्टैंड अप करना, तो कैसे सोचा कि मैं स्टैंड अप करूंगा? मैं पैदा बहुत बचपन में हुआ। अच्छा। और जब मैं पैदा हुआ तो 6 डॉक्टरों ने ऐसा बोला था कि ये बच्चा 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। वो 6 के 6 चल बसे मैं अभी तक। लेट्स हियर फॉर हिम वन मोर टाइम, लेडीज एंड जेंटलमैन, जय छनियारा। अब आ रहे हैं रवि गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। अर्चना जी, कुछ दिनों पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। क्यों? क्योंकि मेरी बॉस से बन नहीं रही थी। ओहो, अच्छा। वो मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा घुस रहा था। अच्छा। वो हमेशा मुझसे बोलता था कि तुम ये सी ग्रेड बी ग्रेड मूवीज क्यों देखते हो, एक कच्ची जवानी पक्का पपीता टाइप। तो मैंने बोला ये मेरी पर्सनल चॉइस है ना। तो बोला लेकिन ऑफिस में तो मत देखो। फिर मैंने जॉब छोड़ दी और मैं थोड़ा घूमने निकल गया खुद को पहचानने के लिए, और मैं चला गया आगरा ताजमहल देखने के लिए। जैसे ही मैं आगरा स्टेशन से बाहर निकला, एक बंदा मेरा हाथ पकड़ के बोला, चलो जल्दी चलो, चलिए हम आपको ताजमहल दिखा देंगे और हम आपको आगरा फोर्ट भी दिखा देंगे। मैंने बोला, भाई तू है कौन? बोल रहा, मैं ऑटो वाला। मैंने बोला, रिलैक्स, मुझे कुछ खाना भी है। बोले, चलिए हम आपको नाश्ता भी करा देंगे। क्यों बे, हम जीजा हैं तुम्हारे। ऐसे तो तुम मेरी आदत खराब कर दोगे। ऐसे में कहें उतार रहा हूँ, हाँ भाई कितना पैसे हो? 50 रुपया। मैं नहीं दूंगा। समोसा तो खिलाया नहीं तुमने मुझे। और देखिए शेखर जी, ऑटो वाले भी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के होते हैं। लाइक दिल्ली और मुंबई के ऑटो वाले में अंतर इतना है कि मुंबई के ऑटो वाले को कहीं चलने बोलो तो चलता है। दिल्ली के ऑटो वाले अपने ही ऑटो पे घूमने निकले, आज मौसम बढ़िया है दोस्त, चलो। उसे बोलो, भाई मुझे गुड़गांव जाना है, पर द्वारका बढ़िया जगह है। पर मुझे तो गुड़गांव जाना है, पर द्वारका में इस टाइम मौसम अच्छा हो रखा है, वहां छोड़ देता हूँ, वहां से ऑटो कर लेना। अरे बट जो सबसे अजीबोगरीब ऑटो वाले हैं वो यूपी के हैं। अच्छा। वहां के ऑटो वाले का जीवन का एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो आदमी सड़क के उस पार खड़ा हो, मेरे ऑटो पे क्यों नहीं। उसको अपने ऑटो पे बस लोग चाहिए, उसको लोग चाहिए, उसको समझता नहीं कि उसको ऑटो, उसको लगता है ट्रक है। कितना भी लोग बिठा लेंगे, लोग आ जाएंगे। वो इधर से खाली भरे जा रहे हैं, इधर से कितना गिर रहा है वो देख भी नहीं। ऑटो वालों को कोई जमीन नहीं। तुम ट्रैफिक जाम में फंसे रह जाओगे पैदल, ऑटो वाला निकाल ले जाएगा। ये घर के आंगन वांगन से लेके जा रहा। मैं एक बार वेट कर रहा था ऑटो का, मुझे चाहिए था, और सामने से एक ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया। पर उस ऑटो में कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। उसका ड्राइवर ऐसे बैठा हुआ था। उसकी गोद में एक आदमी था जिसने अपनी गोद में बच्चा ले रखा था। और उसने ऑटो मेरे सामने लाके रोक दिया। बोला, कहाँ जाना है? और आप देखोगे कभी भी ऑटो वालों को सरकैज़म समझ नहीं आता। मैंने बोला, तू पागल वागल है क्या? तू सर पे बिठाएगा क्या? उसकी आंखों में चमक आ गई। हाँ, ये तो कभी ट्राई किया ही नहीं। अच्छा खैर, जब मैं उस दिन आगरा फोर्ट घूमने चला गया, और देखिए मैं यूपी से हूँ और बनिया आदमी, हम लोग गाइड पे पैसे नहीं खर्च करते। बट द थिंग इज, अगर आप गाइड कर भी लेते हो ना, वो तुम्हें बेवकूफी बनाएंगे। वहां पे गाइड ऐसे बता रहे कि ये संगमरमर की दीवारें, ये गर्मी में गर्म रहती और ठंडी में ठंडी हो जाती। मैं बता रहा हूँ, गाइड भी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के होते हैं। लाइक एक बार मैं जंगल में घूम रहा था और हमारे साथ में गाइड था। मैंने बोला, भाई ये जगह बहुत डरावनी लग रही, सुने यहाँ भूत प्रेत आत्माएं दिखाई देते। बोल, नहीं साहब, देखिए भूत प्रेत आत्माएं चुड़ैलें ये सब मन का वहम है, आप जितना सोचोगे आपको उतना दिखाई देगा, नहीं सोचोगे मार के चला जाएगा। बोले, ये देखिए ये है सुसाइड पॉइंट, यहाँ पे आदमी लोग गिर के सुसाइड कर लेते हैं। बोले, क्या सुसाइड पॉइंट? तो पहाड़ है, पहाड़ तो इधर भी, इधर से कूद के आदमी मर ही जाएगा।
पर नहीं, यहाँ से बढ़िया मरता है। यहाँ से बढ़िया मरता है। और जब मैं आगरा फोर्ट घूम रहा था, एक चीज मैंने नोटिस की, हमारी सरकार हमको लेके बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। वहां पर आगरा फोर्ट में बोर्ड लगे हुए थे, उसमें लिखा था कि यहाँ की दीवारों को नहीं खराब करने के लिए धन्यवाद। और वहीं 17-18 साल का एक लड़का दीवार पे प्रियंका प्लस पंकज। और वहीं पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होकर देख रहा था, बोल रहा बाबू बहुत प्यार करते हो प्रियंका को, बस जब तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए तो उसे मिटाने चले आना। थैंक यू सो मच गाइस, यू गाइस आर लव यू, थैंक यू। तुम बड़े मजे लेकर अपनी कॉमेडी करते हो, देर इज सपोज टू बी अ पेस एंड टेम्पो इन कॉमेडी, आपने अपनी पेस और अपनी टेम्पो बनाई है, सो देर इज समथिंग वेरी यूनिक अबाउट यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू रवि, शॉर्ट एंड स्वीट, डिलेक्टेबल, एंजॉयबल परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा किया। व्हाट आई लाइक अबाउट यू इज द वे यू डिलीवर, बड़ा एक कैजुअल सा अप्रोच है और बातचीत का एक लहजा जो है बहुत खूबसूरत है। यू आर वेरी एंटरटेनिंग, आई लव योर परफॉर्मेंस, थैंक यू। Cheer it for him one more time, ladies and gentlemen. बोले तो बाबा, अब जो दो लोग आ रहे ले है ना, ये दोनों भी एकदम पैसा वसूल है। जब कॉमेडी करते हैं ना तो पब्लिक का हंस हंस कर वार्ड लगता है, लेकिन यही तो अपना रिक्वायरमेंट है। मुंबई से कॉमेडी का पार्सल आ रहेला है भारत गणेशपुरे और सागर करंडे। भारत जी, आप ऐसा ताली क्यों बजा रहे हैं? ये ताली बजाने से शेर नहीं आता है। पर यहाँ तो शेर ही नहीं है, कैसे रहेगा? ताली जो बजा रहा हूँ, ताली बजा, शेर में आता। अरे बबरे, अरे नमस्ते शेखर जी, नमस्ते, नमस्ते। अरे अर्चना जी नमस्ते, कैसे आप? सब ठीक, मजे में, सब मजे में रहने का। अरे बाप रे सिद्धू पाजी, क्या लेकिन कुछ भी बोलो रोशन, मिलावट है तुम्हारे इश्क में इत्र और शराब की, मिलावट है तुम्हारे इश्क में इत्र और शराब की, कभी हम महक जाते हैं कभी हम बहक जाते हैं। हेलो 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 हेलो, अरे मैं बात कर रहा हूँ फोन पे। हेलो सर, हाँ सर, सर मैं पहुँच गया सर। हाँ मैं यहाँ कब का पहुँचा हूँ सर? सर वही खड़ा हूँ सर, मैं तो लेटने की कोशिश कर रहा हूँ सर। हाँ सर, सर आपका काम हो जाएगा सर, कोई बात नहीं। मैंने सबका काम तमाम कर दिया सर। अरे अरे ओ ओ, मैं यहाँ पे फोन पे बात कर रहा हूँ, आप क्यों बीच बीच में बात कर रहे हो? चुप बैठो ना जरा। हाँ मैं बात कर रहा हूँ फोन पे। हेलो, अच्छा सुनो भाई साहब, आप भाई साहब, आप भाई साहब, भाई साहब, हाँ भाई साहब। अरे कितने दिनों के बाद किसने इज्जत दिया है मेरे को? थैंक यू। मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये गली का नाम क्या है? टुन गली। क्या? टुन गली नाम है इसका। मतलब? मतलब यहाँ से सिर्फ अर्चना और मैं जाते हैं इधर। नहीं नहीं, मेरा मेरा मतलब था ये रास्ता कहाँ पे जाता है? अरे सवेरे से मैं यहाँ हूँ, किधर नहीं जा रहा, इधर रे, इधर रे खड़ा है रास्ता है। आदमी है यार, ये पूछना पड़ेगा। नहीं मैं पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ। आप पूछो, पूछो किसी से पूछो। ए भाई रास्ते किधर जा रहे तुम? हाँ बोले जन्नुम में जा रहे, जाने गए? अरे नहीं मेरा मतलब है, देखिए दिखो ना यार, मैं कब से देख रहा हूँ उसके तरफ, वो देखने रहे मेरे तरफ, पहले उसको बोलो मेरे तरफ देखने का, नहीं तो लोग बोलेंगे वन साइडेड लव है, ऐसा नहीं चलेगा। उसको भी बोलो बिल्कुल चलेगा ना ऐसा, बिल्कुल। अरे ऐसा नहीं है, देखिए मतलब देखिए, ऐसा नहीं होता। क्या खुजाओ होता है? देखिए देखिए मतलब सुनिए
सुनाओ ना यार, सुनाओ यार। क्या? बहुत दिन से कुछ अच्छा नहीं सुना है मैंने, तुम सुनाओ। सुनाओ आज मेरे को, मेरे देखो ये कैसा है। हाँ? मेरा ऐसा है। तुम्हारा कैसा है मेरे को क्या पता। अरे यार रुको ना, सुन जरा, माफ कर दे मेरे भाई। मेरी बात सुन मेरे बाप। तू मेरा बेटा है साले। मेरा बेटा है तो स्कूल क्यों नहीं गए? तेरे लिए इतना खर्चा करता हूँ मैं, पैसे का मतलब तू इधर उधर घूमता है ऐसे चित्त दिखा के। पैसा नहीं है सुनो, मैं आपको बाप बोला इसके ऐसा नहीं है कि मैं आप मेरे बाप हो गए, मैं आपका बेटा, ऐसा बोलने का तरीका होता है। अरे बदल डालो ये तरीका, गलत है, धंधा तरीका है। किसके घर को जाएंगे बोलेगा अरे मेरी औरत, ऐसा बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से ये सरकार को मैं ये कह रहा हूं। सरकार का क्या भाषण मत करो, रुको रुको, बहुत अर्जेंट है सुनो। हाँ, बहुत बहुत अर्जेंट है, मुझे दवाई देनी है किसी को। विपुल विपुल भाई कहाँ पे रहते पता आपको? अरे कल बोलने मैं कल ही जाके आया उधर। विपुल भाई के यहाँ? नहीं नहीं उधर अग्रवाल साहब रहते ना, अग्रवाल साहब उनकी बेटी की गोद भर रही थी। उनकी बेटी की शादी हो गई? नहीं नहीं शादी तो अगले साल है, गोद भरे का अर्जेंट में आ गया। अरे यार सुनो ना, उनकी बेटी को छोड़ो आप। मैंने किधर पकड़ के रखा उसको? अरे नहीं सुनो ना यार, तुम आप आगे ये देखो, मुझे ये एड्रेस चाहिए। वो कहाँ पे रहते हैं? विपुल भाई, विपुल भाई का एड्रेस पता है? क्या करने का तुमको? क्या कर, दवाई दवाई देनी है मुझे। मेरे को बोलना भाई, दवाई के चक्कर में छोड़ दे, ये दे दे पटक से। अरे बीमार है वो, अरे जरूरतमंद को ना दवा देनी चाहिए, वो दुआ देता है। एड़ा है तू, जरूरतमंद को दारू देनी चाहिए। हाँ। वो दुआ भी देता है साथ में चकना भी देता है। क्या आदमी है यार। अर्जुन शेखर थोड़ा थोड़ा भरू, एक एक पटक से भरू। अरे अरे दवा दोगे ना तो दुआ मिलती है, जान बचती है उससे। अरे ये पीने से जान में जान आ जाती है। सुना नहीं गया? ये जान में जान डाल दे पीते ही, इसके बारे में लिखा है। क्या आदमी हो यार, सुबह सुबह 8 बजे पीते हो? ये टाइम है बेटा, ये सही वक्त है, ये सही वक्त है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है मालूम है? क्या? ये इंतजार गलत है कि शाम हो जाए, हो सके तो अभी दौरे जाम हो जाए। अरे भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मुझे विपुल भाई से मिलना है। विपुल भाई से उनका एड्रेस बता दो, मुझे दवाई देनी है उनको, बहुत सीरियस है वो। अरे फिर तो दवाई शेखर जी को दे दे फिर। सीरियस क्यों? अरे वो भी बहुत सीरियस है रोशन को लेके। अरे यार से बोल रहा हूँ, वो छोड़ो ना, इनका छोड़ो, उनका छोड़ो। अरे एक आदमी मर रहा है वहाँ पे, मुझे दवाई देनी है, बहुत सीरियस। उनका पता बता, वो कहाँ रहते हैं एड्रेस बताओ। तू यार कंफ्यूज मत कर, तू मेरे को बता उनका एड्रेस चाहिए कि वो कहाँ रहते हैं, वो जगह चाहिए बता। अरे एक ही बात है ना। नहीं बाबा दुनिया बदल गई, लोग एड्रेस अलग देते हैं, रहते अलग जगह पे। ये अभी अर्चना इनका एड्रेस है मडलन, रहती कुर्सी पे है। तो ये रोशल रोशल हाँ, इसका एड्रेस मलाड में है, पर रहती मेरे और शेखर के दिल में है। शेखर जी दोनों का अकाउंट एक साथ सेट कर दिया एड्रेस ने। बोल पटक से बोल। अरे क्या बोल रहे हो? सुनो सुनो मेरी बात सुनो, इधर इधर हूं मैं। कितने बात कर रहे हो? चल अरे सुनो सुनो प्लीज, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे एड्रेस बता दो, वो आदमी मर जाएगा, दवाई पहुंचानी मुझे प्लीज। एक मेरे भाई, तीन शरमत ले, गड़बड़ का काम शैतान का होता है। सीधा जाएगा, राइट टर्न आएगा। किधर जा रहा है? अरे आप ही बोले ना, सीधा जाके राइट मारना है। राइट मारना नहीं बोला, राइट टर्न आएगा ऐसा बोला। अच्छा आएगा। 100 रुपए निकल। क्यों? नो एंट्री उधर। अरे नो एंट्री में घुसते है, बोला गया तेरे को जाने का, बोला गया नहीं बोले ना नो एंट्री में ऐसा। तो अभी सीधा जा राइट टर्न आएगा, नहीं लेने का उसको, नहीं लेने का बागे जो, फिर लेफ्ट टर्न आएगा, वो लेने का, नहीं लेने का, लेफ्ट टर्न आएगा, लेफ्ट टर्न तो दूसरा घर ऐसा। तो उधर एक औरत इसे दिखेगी मस्त खूबसूरत सी। वो घर है क्या विपुल भाई का? बोला क्या मैंने विपुल भाई घर रहे? तो औरत बोलेगी उसको खाली जाते समय ऐसा ऐसा करके निकल जाने का। अरे उस औरत को मैं क्यों करूँ ऐसा?
अरे मेरे को टाइम नहीं है ना बोलना, भारत भाई ने भेजा है ऐसा करके। उससे आगे जाएगा पांचवा नंबर का घर है। वो घर है? वो मेरा घर है। अरे यार आप घर क्यों बता रहे हो मुझे? मेरा काम है उधर जाते जाएगा ना तू। ये देख मैं क्या लाया है। ये देखिए ये क्या है? ये बैगन पहुंचा देना उधर। मेरी बीबी को बोलना आज भाई साहब को बैगन खाने का मूड हो गया, मस्त बैगन बनाओ। मैं आपके घर पे जाकर, अरे समझ रहे हो आप, पूरा एड्रेस चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर ये बैगन पहुंचाना पड़ेगा। आज बैगन खाने का मूड हो गया क्या? मेरे को टाइम नहीं है। अरे किसी को यार मुझे तो भेजते क्या मैं ऐसा? मुझे दवाई पहुंचा, ये बैगन पहुंचा इधर। मेरे बीबी की तरफ देखना नहीं, बहुत खूबसूरत है वो। अरे लेकिन खाली ऐसा दूर से ऐसा बैगन देने का, निकल जाने का, समझे? अच्छा ठीक है, कैसे कैसे करेगा बता? अभी करके बता, वो मर जाएगा आदमी। भरोसा नहीं, करके बता। वो आदमी मर जाएगा। करके बता मेरे को कैसे करेगा, करके बता। करके निकालने का। हाँ हाँ, खट 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 खट, कुंडी न खड़काओ राजा। अब बीवी बोल रही है, डायरेक्ट अंदर आ जा। नहीं मैं ये है मतलब आना है, मतलब नहीं मैं नहीं आ सकता। वो आपके हस्बैंड ने कहा है कि वो ये बैंगन वो भरता बना दो। वो तो सबको मना करते हैं। शेखर को भी मना किया था। तो फिर क्या हुआ? फिर मैंने घसीट लिया उनके अंदर। ये आप ले लो ना, मतलब मैं बाद में ट्राई करता हूँ ऐसे कुछ। ये मुझे दवाई पहुँचानी है ना, तो आप उधर क्यों देख रहे हैं भाई साहब? वो आपके हस्बैंड देखा चीटिंग करता है ना, चीटिंग करता है। मैंने बोला तेरे को नहीं देखने का बीबी की तरफ। वो बीबी बोलेगी तू नहीं देखने का। अरे यार मुझे एड्रेस बता दो यार, मैं कैसे करता हूं, मुझे एड्रेस बता। अरे वो आदमी मर जाएगा, उसकी जगह मेरे पास है। एक मिनट मेरा फोन बज रहा है। एक मिनट में फोन बज रहा है मेरा, सॉरी फोन बज रहा है। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। हेलो क्या बात कर रहे हो? कब? अरे बहुत अच्छी बात है। अरे नहीं कर, काफी लोग परेशान थे। उठ जा बेटा तेरा तेरा काम हो गया अभी। ये अभी दवाई पहुंचाने की जरूरत नहीं है, मतलब विपुल भाई चल बसे। भारत आप जरा करीब आएंगे, मुझे आपको सूंघना है। ये बगैर पिए ऐसे परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, ये पी गया है। जोक्स अपार्ट, आई मीन दोनों ने मिलके जो आपने समा बांधा जुगलबंदी, थैंक यू, तो उस जुगलबंदी के लिए और उस जादूगरी के लिए सलाम। थैंक यू सो मच, यू वर एब्सोल्युटली इंडियरिंग एंड इट वाज अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। आप दोनों बहुत डिफरेंट किस्म का एक्ट था, और जिस तरह से भारत आपने उसे निभाया, टू डू अ ड्रंक सीन। मैंने कई एक्टर्स के साथ काम किया जिनको ड्रंक सीन करना था, उन्होंने मेथड भी ट्राई किया, ड्रंक हुए, फिर उन्होंने बोला नहीं हो रहा है, फिर बिना ड्रंक हुए भी अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, बट अक्सर ऐसा नहीं हो पाता कि आप वो सही सुर पकड़िए। एंड सागर परफेक्ट फॉइल्स फॉर ईच अदर, वेरी। और आप दोनों को भाई साहब ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगा। हमने दिया नहीं लेकिन हमने ले लिया। और अब ये हम आपको बजा के देंगे, आपको दोनों तरफ से देंगे और आपको लेंगे। और क्योंकि आप दोनों कॉमेडी के होप और लाफ्टर के बोले तो
चुप। सेमीफाइनल के सभी राउंड्स खत्म हो चुके हैं, अब बारी है टू इनवाइट ऑल द सेमीफाइनलिस्ट ऑन स्टेज। लेट्स गिव इट अप टू देम। बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा ये प्रोसेस समझा पाऊँ, बहुत मुश्किल था शेखर और मुझे जज करना। इट इज इनएविटेबल, लुक एट योरसेल्फ्स, आप सब डिजर्व करते हैं टू बी द विनर। आई जेन्युइनली बिलीव दैट। कम ऑन, गिव इट अप फॉर देम। लेकिन प्रोसेस में सिर्फ कुछ ही आगे जा सकते हैं, एंड दैट इज बेस्ड नॉट ऑन की तोप मिली कि नहीं। शुरू से लेकर अभी तक आपकी हर परफॉर्मेंस पर बेस्ड है हमारा जो निर्णय है, जो कलेक्टिवली हमने डिसाइड किया है। लेकिन मुझे उम्मीद है आप समझ पाएंगे कि इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजंस आई हैव हैड टू टेक इन माय लाइफ आफ्टर सेइंग यस टू परमीत फॉर मैरिज। पर आप लोगों को बता दूं कि ये जो मैं फ्रेम देख रहा हूं, इफ आई कैन फ्रेम इट, दिस इज द बेस्ट फ्रेम दैट आई हैव सीन इन माय लाइफ, द बेस्ट फ्रेम। यू ऑल द बेस्ट सेट ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर। आपने इस शो का मुस्तकबिल तय किया है, इसका भविष्य तय किया, इसका फ्यूचर तय किया। एंड थैंक यू फॉर दैट, बिकॉज़ इस बुनियाद पर बनेंगे इसके अगले काफी सारे सीजंस। तो अब बारी है टॉप फाइनलिस्ट के नाम रिवील करने की। इनमें से कोई पांच होंगे जो बनेंगे फाइनलिस्ट। आवर फर्स्ट फाइनलिस्ट इज नितेश शेट्टी। आवर नेक्स्ट फाइनलिस्ट इज विघ्नेश पांडे। द नेक्स्ट वन who will be going to the finals is Rajat Sood. Our next finalist is Jay Vijay Sachan. Now it's left for us to see the last but not the least. Please put your hands together for Himanshu Pawandar. Congratulations to our top five finalists of India's Laughter Champion. Five superheroes who are standing here. Yeah. Inke liye zordar taaliyan. And also these superheroes who are on the side, jinhone show ko char chaand laga diye. You were all so wonderful.